तो दोस्तों आज के टाइम में आधार कार्ड हो या राशन कार्ड हो, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके मोबाइल नंबर अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसको यूज करके आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप अपने राशन कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, सभी राज्य के राशन कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करने का या फिर राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का अपडेट करने का प्रोसेस अलग अलग होता है, पर लगभग लगभग ये प्रोसेस सेम ही होता है, इसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप अपने राशन कार्ड में किस प्रकार अपने नंबर जोड़ सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप लगातार बने रहे और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना। इतने अच्छे अच्छे आपके लिए कंटेंट लेकर आता हूं और सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं दोस्तों, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक प्यारी सी भी कमेंट डाल देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों किसी भी राज्य के राशन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर जोड़ने या फिर मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाना है। आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो आप भी इस वेबसाइट पर डायरेक्ट आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको ऊपर में ही कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको सेकंड नंबर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आना है, और इस पर आने के बाद में आप यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन देखोगे राशन कार्ड डिटेल ऑन स्टेट पोर्टल, सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप यहां पर देखोगे लगभग सभी राज्य की लिस्ट खुलकर यहां पर ओपन हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सिंपली आपको उस स्टेट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही उस स्टेट पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहां पर मैं सबसे पहले आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बिहार पर क्लिक करके दिखाता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूं। आप जैसे बिहार पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यानी कि आपके राज्य में जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनकी बेनिफिशियरी की लिस्ट आपको दिखाई देगी। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, ऊपर जो आपको यहां पर यूआरएल दिखाई दे रहा है इस यूआरएल पे आपको क्लिक करना है, और इस यूआरएल पे क्लिक करने के बाद में लगभग आपको यहां पर जो ये स्लैश दिखाई दे रहा है इस स्लैश तक इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है। इसके बाद में यहां तक इस यूआरएल को हटा देना है और फिर से एक बार वापस आपको सर्च कर देना है। आप सर्च करोगे तो आप देखोगे बिहार की ऑफिशियल साइट पे रीडायरेक्ट हो चुके हो। कुछ इसी प्रकार से आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करने के बाद में आपको अपने स्टेट के बेनिफिशियरी की लिस्ट दिखाई देगी, और अभी मैंने जैसे आपको बताया यूआरएल पर जाकर स्लैश तक आपको यूआरएल को हटा लेना है, इसके बाद में आप ऑफिशियल साइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों मैं यहां पर झारखंड पे क्लिक करता हूं, और झारखंड पे क्लिक करने के बाद में आपको बताता हूं कि किस प्रकार आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है। आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो लगभग यही प्रोसेस होने वाला है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो आप ये प्रोसेस देख सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से आपके राज्य में भी आपके राशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होगा या आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही झारखंड पे क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार का एरो इंटरफेस हमारे पास में देखने को आ गया। तो यहां पर मैं यूआरएल पे जाता हूं, और यूआरएल पे जाने के बाद में सिंपली मैं यहां पर स्लैश तक इस यूआरएल को कॉपी करता हूं और यहां से इसको हटा देता हूं। इसके बाद में मैं वापस सर्च पे क्लिक करता हूं। वापस सर्च पे क्लिक करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पर झारखंड की ऑफिशियल साइट पे मैं रीडायरेक्ट हो चुका हूँ, और यहाँ पर आने के बाद में आप भी कुछ इसी प्रकार अपने राज्य की साइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। जब आप अपने राज्य की साइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे तो आपको यहाँ पर देखना है ऑनलाइन सेवाएं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन सेवाएं देखने के बाद में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन। लगभग सभी राज्य के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपको ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। आपके भी राज्य की वेबसाइट पर इसी प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और बताएं कि आगे का वीडियो मैं किस राज्य के लिए लेकर आऊं जिसमें आप मोबाइल नंबर जोड़ सको, राशन कार्ड बना सको, मेंबर ऐड कर सको, लगभग राशन कार्ड के सभी आप काम कर सको। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। यहां पर आने के बाद में आप देख सकते हैं कार्ड होल्डर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे कार्ड होल्डर लॉगिन पे क्लिक करोगे
तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आ जाएगा। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी आईडी क्रिएट करनी है राशन कार्ड नंबर से, और यहाँ पर अपना राशन कार्ड टाइप सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास में ग्रीन कार्ड है तो आपको ग्रीन कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आपके पास में व्हाइट कार्ड या पीएच कार्ड कोई भी हो तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड ध्यान रहे दोस्तों, जो राशन कार्ड का मुखिया है उसके आधार कार्ड के लास्ट की 8 डिजिट होने वाली है, तो सिंपली आपको ये फिल कर लेना है। और इसके बाद में ये कैप्चर कोड है, ये फिल करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। आपने जो अपने राशन कार्ड का नंबर डाला था उस राशन कार्ड की डिटेल कंप्लीटली खुलकर आपके सामने आ जाएगी। आपके राशन कार्ड की सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद में आपके राशन कार्ड में जो भी आप करना चाहते हैं, कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं, नाम ऐड करना चाहते हैं, नाम हटाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ पर साइड में लिस्ट में देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। नाम जोड़ना या फिर नाम हटाना मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया है, तो आज मैं आपको बताऊंगा मोबाइल नंबर में सुधार या परिवर्तन। तो आप अपने मोबाइल नंबर में सुधार या परिवर्तन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, तो आपको यहां से सीधे स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपके सामने सिलेक्ट मेंबर की लिस्ट आ जाएगी। यहां से आपको अपने राशन कार्ड में एक मेंबर को सिलेक्ट कर लेना है, जिस मेंबर के भी आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, वो मेंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में उस मेंबर के यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल कर देना है। आप यहाँ पर उस मेंबर के मोबाइल नंबर और आधार नंबर फिल कर दोगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर रेड कलर का जो आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने स्टेप टू सेलेक्ट मेंबर चूजिंग मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से आपको एक बार सेलेक्ट मेंबर कर लेना है, और मेंबर सेलेक्ट करके आपको उस मेंबर के मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में अपलोड सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो ये फॉर्म आपको कहाँ से लेना है, ये फॉर्म लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपनी ऑफिशियल साइट पर एक बार फिर से जाना पड़ेगा। यहां पर आने के बाद में फिर से ऑनलाइन सेवा पर आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन आवेदन पे आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देखोगे डाउनलोड, सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो एक लिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आप अपने राशन कार्ड में क्या अपडेट करना चाहते हैं, नेम, जेंडर या मोबाइल नंबर, कुछ भी आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसी का आपको डिक्लेरेशन फॉर्म यहां से डाउनलोड करना है। तो हम यहां पर मोबाइल नंबर चेंज या अपडेट करना चाहते हैं तो सिंपली हम मोबाइल नंबर चेंज पे क्लिक करेंगे। हम जैसे ही मोबाइल नंबर चेंज पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ के रूप में एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली इस फॉर्म को हमें यहां से ओपन कर लेना है। हम जैसे इस फॉर्म को यहां से ओपन करेंगे तो ये फॉर्म कुछ इस प्रकार से नजर आ जाएगा। तो सबसे पहले इस फॉर्म को आपको यहां पर प्रिंट करके निकाल लेना है। इसके बाद में जो कार्ड धारक का नाम है, मुखिया का नाम है, वो आपको यहां पर फिल करना है। आपके राशन कार्ड की जो नंबर है आपको यहां पर फिल करना है, और राशन कार्ड के जिस सदस्य का आप मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं उस सदस्य का आपको यहां पर नाम फिल करना है। इसके बाद में जो मोबाइल नंबर आप अपडेट कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहां पर फिल करना है। इसके बाद में यहां पर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहां पर अपना स्थान लिख देना है, जिस डेट को अपडेट कर रहे हैं वो डेट आपको यहां पर फिल कर देना है, हस्ताक्षर आपके कंप्लीटली यहां पर कर देने हैं, और आपका नाम यहां पर आपको फिल कर देना है। ये सब कुछ फिल करके आपको वापस से अपलोड वाले पेज पे आ जाना है, और यहां पर चूजिंग फाइल करके वो फॉर्म अपलोड यहां पर कर देना है। ये सब कुछ हो जाने के बाद में आपको सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो यहां पर एक रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। इस रिसिप्ट में आपका कंप्लीट डाटा नजर आपको आएगा, जो भी आपने अपडेट किया था। इसके बाद में आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपके खाद्य या पदाधिकारी तक पहुंच जाएगी, और 6 से 7 दिन के अंदर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके राशन कार्ड में अपडेट या चेंज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा भी आपका कोई सवाल जवाब, कोई कंफ्यूज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं, और मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए हेल्पफुल वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।